पाकिस्तान को बड़ा झटका। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे में हराया। प्रमुख गेंदबाज ने चटकाए 5 विकेट। हरारे में खेले गए 6 मैचों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ए ने पाकिस्तान ए को 24 रनों से हरा दिया है। पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे ने 45.3 ओवर में अपनी सभी विकेट खोकर 234 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 47 ओवर में 210 रन बनाकर सिमट गई। जिम्बाब्वे के गेंदबाज डेंटाई चटारा को 5 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही और ओपनर मारुमानी 1 रन बनाकर मीर हमजा का शिकार बने। दूसरे ओपनर इसो ने काया भी जरा देर तक टिक न सके और 9 रन बनाकर 16 के स्कोर पर चलते बने। क्रिक एरविन 10 रन और वेस्ली मदवीरे ने 14 रनों का योगदान दिया। सीन विलियम्स ने 9 गेंदों में 20 रन बनाए और 64 के स्कोर पर 5वें विकेट के रूप में आउट हुए। यहां से रयान बरल और क्वाड मंडाडे ने अर्धशतकीय साझेदारी की और स्कोर को 154 तक पहुंचाया। मंडाडे ने 34 रनों की पारी खेली। बरल अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे, 68 गेंदों में 69 रन बनाए। कप्तान वेलिंगटन मास्कदजा ने 25 और ब्रेंड इवांस ने 19 रन बनाए। कोई भी बल्लेबाज से ठोकर अपने स्कोर को बड़ा नहीं कर पाया, इसी वजह से टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई। पाकिस्तान के लिए आमिर जमाल ने सबसे ज्यादा 4 और मीर हमजा ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को शुरुआती झटके लगे और टीम ने 19 के स्कोर तक अपने प्रमुख 3 विकेट गवा दिए। सैम अयूब 8 रन और कप्तान इमरान भट्ट 16 रन बनाकर चलते बने। हसीबुल्ला खान और मुसाबिर खान ने 60 रनों की साझेदारी की और टीम को मजबूरी देने का प्रयास किया। हसीबुल्ला 45 रन बनाकर आउट हुए। मुसीबु ने 49 रन बनाए। अन्य बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक न सके और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे के लिए डेंडाई चटरा ने 5 विकेट और वेलिंगटन मास्कदजा ने 4 विकेट लिए। तो दोस्तों, इस तरह जिम्बाब्वे पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा।